Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार भारत देश के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है, तो वहीं पर अगर बात करें हम फॉरेन कंट्रीज़ को, तो भी वहां पर भी संक्रमण का जो दायरा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी ग्रोइंग तरीके से फास्ट इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर हम बात करें चाइना के बाद जिस तरीके से इटली में कोरोना वायरस के चलते ज़्यादा लोग संक्रमण के चपेट में आए, उसके बाद से अमेरिका जो है तबाही के दौर से गुजर रहा है और अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा अभी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा था कि ट्रंप ने जो इस समय पे फैसले नहीं लिए, जिसके चलते जो है वहाँ पर अमेरिका के लोगों को इसका सजा भुगतना पड़ा और लगभग 75,000 के करीब में वहाँ पर कोरोना से लोग संक्रमित होकर मर चुके हैं और इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन की अगर बात की जाए, जिस तरीके से पूरे देश में या फिर पूरे संसार में जिस तरीके से लॉकडाउन को पालन किया जा रहा है, तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। कि जिस तरीके से ऐसा मान लीजिए कि जो लोग बिना घूमे नहीं रह पाते थे, उनको घर में लॉकडाउन होना पड़ रहा है। खास करके हम धार्मिक और आस्था की बात करें तो जो लोग ये सब सीज़न में मंदिर में जाते थे, त्यौहारों में मंदिर में जाना अनिवार्य होता था, लेकिन लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया। और ये भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो ठीक है, अदरवाइज़ जो बाहर की जो संस्कृति, जो बाहर का कल्चर है, उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखने को मिला है। जी हाँ, मैं इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि एक जो व्हाइट हाउस का जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो कि ट्रंप के सामने एक पंडित जी देश की सुरक्षा के लिए और इस कोरोना से लड़ने के लिए और कोरोना से बचने के लिए जिस तरीके से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भले ही लॉकडाउन हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो संस्कृति है और जो हमारा जो डिवोशनल जो धार्मिक चीज़ें हैं, उसको कहीं ना कहीं लोगों का अभी भी विश्वास बना हुआ है और उसका लोग पालन कर रहे हैं। तो ये वीडियो में आप जिस तरीके से देख रहे होंगे ट्रंप के सामने पंडित जी किस तरीके से अपने भाषा, अपने ज्ञान और अपने मंत्रों का चारण कर रहे हैं और कोरोना से बचने के जो ये फ़ायदे गिना रहे हैं और ये जो चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरीके से इसकी सुरक्षा कर ली जाए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप भी देखें वीडियो और अगर अच्छा लगता है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। Pujari Haresh Brahmbhatt. Thank you, Mr. President. In these troubled times of COVID-19, social distancing and the lockdown, it's not unusual for people to feel anxious or not at peace. The Shanti Path, or the Peace Prayer, is a prayer that does not seek worldly riches, success, fame, nor is it a prayer for any desire for heaven. It is a beautiful Hindu prayer for peace, shanti. It's a Vedic prayer derived from the Yajur Ved. And the prayer goes, Om Dyo Shanti Rantariksha Gvam Shanti Pruthvi Shanti Rapah Shanti Roshadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishve Deva Shanti Brahma Swargam Shanti Shanti Reva Shanti Shama Shanti Om Shanti Shanti Shanti. The prayer translates into, Onto the heavens be peace, onto the sky and earth be peace, peace be onto the water, onto the herbs and trees be peace, onto all the crops be peace. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.